हाय गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जंगल बाइक सफारी में। और मैं आपको आज कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो एक बाग की है, जो हमारे शहर में, मतलब मेरे घर से करीब ऐसे होगा दो किलोमीटर आगे एक इनोवा या टवेरा गाड़ी थी, उसने उसको इतनी स्पीड से ठोका, इतनी स्पीड से ठोका कि वो बाग वहीं हाथों हाथ ख़त्म हो गया और गाड़ी भी बहुत ही आगे से डैमेज हुई। और उस डैमेज के कारण बाघ के भी बहुत चोट लगी। बाघ का तो हाल ऐसा रहा कि वो हाथों हाथ वहीं मर गया। बहुत ही उसका ब्लड बहा, बहुत ही, मतलब ये मान लो कि हमने एक सुंदर पशु, जंगल के सुंदर पशु को हमने एक खो दिया, जो देखने के लिए आज हम देख पा रहे हैं। आगे शायद हमारे चल के हमारे बच्चे या बच्चों के बच्चे कोई देख ना पाए, आगे उनका सब लुप्त हो जाए। मुझे बहुत दुख है उस चीज़ से, जो बेकाबू गाड़ी ने इतनी स्पीड से उस बाघ को ठोका और उस बाघ का हाथ हाथ वहीं देहांत हो गया। और फिर वहाँ पे फिर गांव के लोग आए, वहाँ से गांव के लोग आए, फिर फॉरेस्ट के लोग आए, वहाँ से उसे उठाया, फिर गाड़ी मिल रहा था ले गए, और तो फिर ले गए, फिर उसको, फिर उसका अंतिम संस्कार करा होगा या फिर गड्ढे में दफन कर दिया होगा। खैर मुश्किल है, गड्ढे में दफन करा होगा, लेकिन उसे जलाया ही होगा, क्योंकि दफन करने के बाद भी कुछ लोग, लालची लोग होते हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए उखाड़ के ले जाते हैं, फिर शायद जला दिया होगा। चलो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ उन तस्वीरों को, बाघ की कैसी दुर्दशा हुई, कैसी हालत हुई उसके, कितना ब्लड बहा, और उस गाड़ी का भी फोटो देखना जिसमें बहुत ही डैमेज रही। जी हाँ, बहुत डैमेज, इतनी डैमेज कि आगे का उसका पोर्शन पूरा बोनट सब खराब हो गया, टूट गया। चलो देखते हैं। गाइस, आपने देखी होंगी ये तस्वीरें कैसी लगी। बहुत दुख हुआ कि हमने एक सुंदर पशु को अपने शहर, अपने जंगल से खो दिया, क्योंकि यही जंगल की शोभा है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इन दुर्घटनाओं के कारण, बेकाबू गाड़ी चलाने के कारण ये अच्छे अच्छे पशु अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है, जो हम गाड़ियाँ बहुत ही बेकाबू से चलाते हैं। इन बेकाबू गाड़ी चलाने की वजह से हम छोटे बड़े सांप, बंदर, हिरन, मतलब कितने जानवर होते हैं जिनको हम खो देते हैं। लेकिन हमें अपनी गाड़ी पे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे इन पशुओं को कुछ ना हो और ये आराम से अपना सफ़र तय करके एक दूसरे से जा सके। क्योंकि गलती हमारी है, सरकार की है, किसकी कहें, फ़िलहाल तो गलती हमारी, जो हम जंगल की रोड पर गाड़ी को बेकाबू चलाते हैं, इस हाई स्पीड चलाते हैं, बिल्कुल 100 से ऊपर भगाएगी, क्योंकि हमें मज़ा आता है। लेकिन इस मज़े के कारण हम पशुओं को, हमारे मज़े के कारण पशुओं को जान से धोना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ गाइस, अपनी गाड़ी पे बेकाबू गाड़ियों पे ध्यान दें, हाई स्पीड ना चलाएं, कम स्पीड से चलाएं, सुरक्षित रहें और इन वन जीवों को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल जंगल बाइक सफारी बाय निशांत में आपका स्वागत है। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद।